जो भी लोग विज्ञान में रुचि रखते हैं उनको ब्रह्मांड का अध्ययन करना, ब्रह्मांड के रहस्यों और तथ्यों को जानना बहुत ही अच्छा लगता है। ब्रह्मांड के इन रहस्यों की जटिल रचना को बारीकी से समझने के लिए आज भी बहुत सारे वैज्ञानिक अपने शोध कार्यों में लगे हुए हैं, परंतु आज तक के संशोधन से ऐसी बहुत सी बातें जो ब्रह्मांड के बारे में अनोखे रहस्य और रोचक तथ्य को हमारे सामने रखती है। ब्रह्मांड संपूर्ण समय, सभी स्थान, अंतरिक्ष और उसकी आंतरिक सामग्री और ऊर्जा को कहते हैं, यानी कि ब्रह्मांड ही सब कुछ है। ब्रह्मांड में सभी ग्रह, तारे, गैलेक्सियां, खगोलीय पिंड, गैलेक्सियों के बीच के अंतरिक्ष की आंतरिक सामग्री, गैर परमाणु कण, सारे पदार्थ तत्व, सारी ऊर्जा और सभी रेडिएशन और ऊर्जा के अन्य सभी रूप भी शामिल है। हम भी ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप और हम कहाँ मौजूद हैं, क्योंकि जो कुछ भी मौजूद है वह स्वतः ही ब्रह्मांड की परिभाषा में समाहित हो जाता है। वैसे देखा जाए तो पूरे ब्रह्मांड का सिर्फ 5% हिस्सा ही भौतिक पदार्थों से बना है, जिसमें ग्रह, नक्षत्र, तारे शामिल है। बाकी डार्क एनर्जी 68% है और 27% डार्क मैटर है। इसे भी देखना मुमकिन नहीं है, लेकिन इसका असर दिखाई देता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति या ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ, इसका सटीक और प्रमाणिक तथ्य आज भी हमारे वैज्ञानिकों के पास नहीं है, परंतु बहुत सी थ्योरी में से एक सबसे स्थापित थ्योरी बिग बैंग थ्योरी है। इस थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड की शुरुआत लगभग 13.7 अरब साल पहले बिग बैंग के साथ हुई थी, यानी कि हमारे ब्रह्मांड की उम्र 13.7 अरब वर्ष हो सकती है। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार लगभग 137 से 140 करोड़ साल पहले एक सूक्ष्म बिंदु में विस्फोट हुआ, जिसे हम बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। इस विस्फोट में से उस बिंदु के टुकड़े टुकड़े होकर इधर उधर छिटके और बिखरने लगे, और इसी से ब्रह्मांड की शुरुआत हुई और आकाशगंगाएं, ग्रह, तारे, ब्लैक होल आदि बने, जिससे ब्रह्मांड फैलना शुरू हुआ। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे यूनिवर्स के फैलने का सिलसिला आज भी लगातार जारी है। हमारे यूनिवर्स की अधिकांश सामग्री आधुनिक भौतिकी के लिए आज तक अज्ञात रूप में है। ब्रह्मांड में कुल ऊर्जा का 68% हिस्सा डार्क एनर्जी से बना है, जो ऊर्जा का एक काल्पनिक रूप है और यह अंतरिक्ष समय में निर्वात में ही रहता है। हालांकि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के यूनिवर्स फॉर्म के अनुसार भौतिकविदों को यह अभी तक नहीं पता है कि यह ऊर्जा कहां से उत्पन्न होती है और इसकी ताकत क्या है। यह डार्क एनर्जी ब्रह्मांड का लगातार विस्तार करती रहती है, जिसकी वजह से हर गैलेक्सी का एक दूसरे से फासला बढ़ता जा रहा है। ब्रह्मांड के पदार्थों और ऊर्जा का लगभग 27% हिस्सा डार्क मैटर से बना है, जिस पदार्थ का एक आदर्श रूप माना जाता है, जो प्रकाश के संपर्क में नहीं है। हालांकि अधिकांश भौतिक विज्ञानी सोचते हैं कि यह डार्क मैटर कुछ नए प्रकार के मौलिक कण का पार्टिकल्स है, परंतु इसका उन्होंने अभी तक प्रत्यक्ष रूप से शोध नहीं लगाया है। यह डार्क मैटर इतनी ताकतवर ग्रेविटी पैदा करता है कि आकाशगंगा के सारे तारे एक ही गैलेक्सी में बंधे रहते हैं, जिससे वे इधर उधर नहीं बिखरते। खगोल शास्त्री एडविन हब्बल ने 1920 के दशक में एक क्रांतिकारी खोज की। उन्होंने पाया कि ब्रह्मांड स्थिर नहीं है बल्कि विस्तार कर रहा है। हमारे यूनिवर्स में जो अकथनीय शक्ति जो डार्क एनर्जी के रूप में है, वह डार्क एनर्जी लगातार बढ़ती गति से ब्रह्मांड का विस्तार कर रही है। आज के समय में दूर की आकाशगंगाओं के अवलोकन से पता चलता है कि हमारे यूनिवर्स की सभी आकाशगंगाएं औसतन हर दूसरी आकाशगंगा से दूर जा रही है, यानी कि आकाशगंगाओं के बीच की दूरियां समय के साथ बढ़ रही है। इसका मतलब है कि अतीत में ब्रह्मांड आज की तुलना में छोटा, गर्म और कॉम्पैक्ट था। जिस गति से ब्रह्मांड बड़ा हो रहा है, उसे खगोलविदों को ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड स्वयं अपना विस्तार कर रहा है। आपको बता दें कि ब्रह्मांड के फैलने का सिलसिला अब भी लगातार जारी है। 1998 में हब्बल टेलीस्कोप की वजह से यह पता चला कि ब्रह्मांड जिस रफ्तार से फैल रहा है, वह रफ्तार भी लगातार बढ़ रही है। आज भी वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा डार्क एनर्जी के कारण हो रहा है। यह डार्क एनर्जी हमारे आसपास हर जगह मौजूद है, पर यह हमें दिखाई नहीं देती। इसे हम न तो माप सकते हैं और न ही इसकी जांच कर सकते हैं।
परंतु इसका असर हमें महसूस होता है, इसलिए हम इसे डार्क एनर्जी कहते हैं। बिग बैंग के सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का निर्माण एक सूक्ष्म बिंदु में महाविस्फोट से शुरू हुआ था, और यह सिद्धांत मानता है कि ब्रह्मांड का औसत घनत्व इसके विस्तार को रोकने के लिए पर्याप्त होगा और ब्रह्मांड सिकुड़ने लगेगा। ब्रह्मांड के मुख्य घटक डार्क एनर्जी के प्रभाव के कारण ब्रह्मांड न केवल हर दिन बड़ा हो रहा है बल्कि हर दिन और तेज हो रहा है, और आखिर में यह विस्तार लगभग हर आकाश गंगा को हमारे योग्य क्षेत्र से बाहर कर देगा। एक खगोल भौतिक शास्त्री का कहना है कि आज से सैकड़ों अरब वर्ष बाद लगभग हर आकाश गंगा हमारे प्लीयर्दर से हो जाएगी। आखिरकार आकाश गंगा में नए तारे बनाने के लिए ताजी गैस समाप्त हो जाएगी। अब से खरबों साल बाद अंतिम तारे बुझ जाएंगे और अपने पीछे मूलभूत कणों का एक पतला भाग छोड़ देंगे, जो धीरे धीरे परम शून्य के तापमान तक ठंडा हो जाएगा।